गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने एक युवक को गुरुग्राम कोर्ट के पास से नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सलीम उर्फ खटका के रूप में हुई है। आरोपी मेवात के नगीना का रहने वाला है। क्राइम यूनिट ने आरोपी के कब्जे से सफेद रंग के बैग में रखे हुए 500-500 के 1,87,500 रुपए के नकली नोट कब्जे में लिए हैं। एसपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि मेवात जिले के नू इलाके में नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगी हुई है। इस फैक्ट्री के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने की तैयारी की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम ने कोर्ट के पास जाल बिछाया। एक गुड़गांव पुलिस द्वारा एक सिंडिकेट को ब्रेक करा गया है जो कि खासकर फेक इंडियन करेंसी को मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था, और उसके दौरान हमने एक व्यक्ति विशेष जो इसमें आरोपी है सलीम उर्फ मटका, ये गांव मुल्तान नू मेवात का रहने वाला है, 24 साल इसकी उम्र है, इससे हमने 1,87,500 रुपये 500 की डिनोमिनेशन जो उसकी करेंसी की है इंडियन करेंसी की, उससे इसको बरामद करा गया है। और इसके बारे में अब हम गैंता से और पूछताछ कर रहे हैं, इससे पुलिस रिमांड सीख करा जाएगा और फिर गैंता से पूछताछ करके ये देखा जाएगा किस माध्यम से ये करेंसी को सर्कुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये करेंसी को छाप रहे हैं, तो संबंध में सारी जानकारी हासिल करी जाएगी और आपको बताया जाएगा। कहाँ से लेके आया था, किसको सप्लाई करना था, अब तक कितने नोट मार्केट में सर्कुलेट कर चुका है? देखिए अभी क्योंकि इसका पुलिस रिमांड सीख करा जाएगा और रिमांड के दौरान इससे और गैंता से पूछताछ करी जाएगी, लेकिन जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें ये पता चला है कि कहीं नू मेवात के एरिया के अंदर इनको प्रिंट करा जा रहा है और इनके कुछ और अन्य साथी भी हैं जो इस जो फेक करेंसी प्रिंटिंग के लिए के अंदर संलिप्त है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर आपने बताया नू नगीना के अंदर प्रिंट हो रहे हैं, क्या गुड़गांव पुलिस ने वहां पे रेड की, वहां से क्या कुछ बरामद किया गया? अभी क्योंकि इसको रिमांड पे सीख हासिल मतलब लिया जाएगा और रिमांड के दौरान अभी गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि कितने और अन्य साथी इसके साथ इस घटनाक्रम में संलिप्त है, और उसके दौरान उन सभी के ऊपर रेड कराई जाएगी और संबंधित जो भी चीजें इस जो फेक जो करेंसी प्रिंट करी जा रही है उसमें जो जो मशीनरी जो यूज हो रही है जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी को बरामद करी जाएगी। अच्छा सर, ये यहाँ पे किसको सप्लाई करने के लिए आया था गुड़गांव? देखिए दिवाली का त्यौहार है आने वाला है और इस तरीके का फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस दौरान इनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि इस तरीके से ये जो फेक करेंसी है उसको ये रूटीन में थोड़ा थोड़ा करके डिनोमिनेशन के माध्यम से ये इसको मार्केट में सर्कुलेट करें। तो कौन कौन ऐसे अन्य व्यक्ति विशेष हैं जो इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी गुड़गांव पुलिस के माध्यम से, और अभी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और आपसे साझा करेंगे। सर अमूमन देखने में आया कि जो करेंसी होती है उसका पेपर बेहद फाइन होता है, इस पेपर की क्वालिटी कितनी फाइन है, कितना असली और नकली में फर्क है? देखिए अभी हम फॉरेंसिक के माध्यम से भी और बैंक के माध्यम से भी इस चीज़ की पुष्टि करेंगे कि जो ये पेपर इन्होंने इस्तेमाल कराया गया है, और खासकर हम जब रिकवरी करेंगे उन चीज़ों की कि किस माध्यम से ये किस मशीनरी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्रिंटिंग किस तरीके से कुछ मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सभी जब रिकवर हो जाएगा तो उसके माध्यम से हम फॉरेंसिक को भेजेंगे और बैंकों से भी इसकी डिटेल हासिल करी जाएगी, तो उस बारे में फिर आपको सूचना दी जाएगी। ये कितनी बार मैंने जैसे बताया कि अभी क्योंकि इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और गहनता से सभी चीजों के बारे में पुष्टि करी जाएगी, और अभी हमारी जो प्रारंभिक जो पूछताछ में चीजें सामने आई हमारी कोशिश ये है कि इसके साथ जो अन्य व्यक्ति विशेष इसके साथ संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ हम फटाफट रेड करके उनको हम अरेस्ट करें, और संबंधित जो टूल्स मशीनरी टूल्स जो प्रिंटिंग के संबंध में जो जो अलग मशीनरीज हैं जो फोटोस्टेट मशीन्स हो सकती हैं कुछ अन्य ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनको हम रिकवर करें, तो अभी हमारी प्राथमिकता वो है, और संबंधित कितनी ऐसी करेंसी को ये सर्कुलेट कर चुके हैं वो जब हम सारे अभी लोगों को पकड़ लिया जाएगा और उसके बारे में गहनता से फिर आपको हम जांच करके बताएंगे। इसको पकड़ा गया है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जो हमारा क्षेत्र पड़ता है कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसके पास पार्किंग है वहां से इसको पकड़ा गया है।